हेलो रविंद्र, रविंद्र तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। रविंद्र वो रामू वो किचन में खड़े होकर बहुत अश्लील हरकतें कर रहा था, मैंने वो सब देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ना उसकी वीडियो बना ली है, मैं तुम्हें वो वीडियो अभी सेंड करती हूँ, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा है। ठीक है दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने वो वीडियो देखा? हाँ देखा। दिव्या मुझे माफ कर दो, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। कहाँ है वो? नीचे किचन में। रामू, रामू कहाँ मर गया, जल्दी आकर। रामू जी मालिक। क्या कर रहा था नीचे तू? मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था नीचे? मालिक हमने क्या किया? क्या किया? शर्म नहीं आ रही होगी पूछते हुए कि क्या किया? तुमने इस नौकर को इस घर में अभी तक रखा ही क्यों हुआ है? इसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। मालकिन आप क्या बोल रही हो, हमें बताओ तो सही, हमारी गलती क्या है, हमने किया क्या है? गलती पूछ रहा है रविंद्र ये अपनी? तुझे बिल्कुल भी शर्म है? अभी उसको आए हुए घर में एक महीना नहीं हुआ और तू उसके सामने हरकत कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे मालिक मुझे बताओ तो सही, कौन सी हरकत, मैंने क्या कर दिया? मालकिन देखिए आप हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, हमने कुछ किया ही नहीं है, अब क्या बोले जा रहे हो? मैं इल्जाम लगा रही हूँ तेरे ऊपर, जो तू नीचे खड़े होके किचन में कर रहा था वो क्या था? किचन में किचन में क्या कर रहा था मैं? दिव्या दिखाना इसको क्या कर रहा था ये। मालिक मालकिन को ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये वीडियो ये पीछे से बनाई गई है, मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब। तूने कुछ गलत नहीं किया, देख रहे हो रविंद्र कि ना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, ये तो यहाँ पे बेशर्मा ही दिखा रहा है हमारे घर में आके, और ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय मुझे झूठा बना रहा है। ये वीडियो काफी नहीं है कि साबित करने के लिए। हे भगवान मालकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ साहब जी आपके घर में कैमरे है ना, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। मालिक मैं गलत नहीं हूँ। रुक जा, तुम्हारा पुराना नौकर है, तू और इतना बोल रहा है तो चेक करता हूँ। जी दिव्या रिकॉर्डिंग चेक करना। सॉरी रविंद्र मुझे पीछे से देखने में बहुत गलत लगा, वो मैंने तुम्हें वीडियो भी तो भेजी थी, जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलत फहमी थी। I'm really sorry. Sorry मुझे नहीं दिव्या, इस रामू को बोलो बेचारे को मैंने बिना फालतू में इतना पीट दिया। I'm sorry, सारी गलती मेरी है, मुझसे गलत फहमी हो गई, मुझे लगा कि तुम कुछ गलत कर रहे थे वहाँ पे, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मालकिन, पर आपकी जगह कोई और होती तो उनको भी यही लगता। खैर छोड़िए मालिक मैं चलता हूँ। ठीक है तू अपना काम कर। जी।